नमस्कार, मैं हूं अपरूपा और आप देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड सही है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर है या आप एक नए क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसी जगहों की जहां पे आपको आपका क्रेडिट कार्ड बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि आखिर आप अपना क्रेडिट कार्ड सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं या नहीं। अक्सर हमें हर जगह सुनने और देखने को मिलता है कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के फायदे क्या क्या है, पर हार्डली हमें कोई बताता है कि क्रेडिट कार्ड कहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज का वीडियो इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम बात करेंगे कुछ ऐसी जगहों का जहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने से कौन सी जगह पे हमको कितना एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ता है और कहाँ पे कैसे हमारा नुकसान होता है इस वजह से। तो आइए आज के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कहाँ पे क्रेडिट कार्ड हमें यूज करना चाहिए और कहाँ पे नहीं। अगर आप एक नए यूजर है तो क्रेडिट कार्ड से ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हर एक वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान पाए क्रेडिट के बारे में सब कुछ। और वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो आइए आज के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो 6 चीजों के बारे में जहां पे आपको क्रेडिट कार्ड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो पहला है IRCTC वेबसाइट्स। IRCTC वेबसाइट्स पे जब भी आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको एक कॉन्वीनियंस फी पे करना पड़ता है। 1% चार्ज आपको पे करना पड़ता है अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करके कहीं भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो। तो अगली बार जब आप IRCTC वेबसाइट पे कुछ भी बुक करना चाहे तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। हालांकि ये बहुत कॉमन है और ज्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता ही है। तो दूसरी जगह है पेट्रोल पंप्स। पेट्रोल पंप्स पे अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके पे करना चाहे तो आपको कई सारे चार्जेस भरने पड़ते हैं। पहला तो है 1% सरचार्ज जो आपको यहाँ भी देना पड़ता है। हालांकि क्रेडिट कार्ड कंपनीज इस 1% चार्ज को वेव ऑफ कर देती है, बट उसके बहुत सारे कंडीशंस होते हैं और वो सारे कंडीशंस आपको आपके बैंक से पता चल जाता है। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करके पेट्रोल पंप में पेमेंट करते हैं तो आपको 18% GST का भुगतान करना पड़ता है और ये आपको जरूर करना होता है, यानी कि आपके ओरिजिनल अमाउंट पे आपको कई सारे चार्जेस भरना पड़ता है। नंबर 3, ATM कैश विद्रॉल। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके ATM से कैश विद्रॉ करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरी मानिए और बिल्कुल ना करें, क्योंकि बाकी बताए गए जगह पे अगर आपने अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके पे किया भी तो भी आपको एक नॉमिनल चार्ज पे करना पड़ता है, बट इस मामले में ये आपको काफी महंगा पड़ सकता है। आप अगर अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके ATM से कैश विद्रॉ करते हैं तो इस पे 2 तरीके के चार्जेस लगते हैं। चाहे आपका कार्ड किसी भी बैंक का हो, ये चार्जेस स्टैंडर्ड होते हैं और आपको जरूर देना पड़ता है। ये 2 चार्जेस क्या क्या है? पहला है कैश एडवांस फी और दूसरा है फाइनेंस चार्जेस। जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके ATM से कैश विद्रॉ करते हैं तो पहले ही लग जाता है कैश एडवांस फी। ये 2-3% तक का होता है ऑफ योर ट्रांजैक्शन अमाउंट, यानी कि अराउंड 300-500 के बीच में जनरली होता है। अब आते हैं फाइनेंस चार्ज पे। ये 1-2% का फी नहीं है बल्कि ये पूरा 50% का फी है, यानी काफी महंगा है और ये पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होता है। मान लीजिए आपने 2,000 रुपए निकाला है अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके ATM से, तो इस पे ये 2 चार्जेस यानी कि कैश एडवांस फी और फाइनेंस चार्ज दोनों लगेगा। तो फिर आगे से अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करके ATM से कैश विद्रॉ करने के बारे में सोचे तो 10 बार इस वीडियो को जरूर याद कीजिए और जरूर ध्यान से सोचें। अब 4th है गवर्नमेंट वेबसाइट्स। अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे टैक्स वगैरह पे करना चाहते हैं आपका क्रेडिट कार्ड यूज करके तो आपको 2-3% का चार्ज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। 5th, फॉरेन ट्रांजैक्शन। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको फॉरेन ट्रांजैक्शन मार्कअप फी पे करना पड़ता है। ये जनरली 3-3.5% के बीच में डिफर करता है और इसको करेंसी कन्वर्शन फी भी कहते हैं।
हाई वैल्यू क्रेडिट कार्ड पे आपको 2% तक का फी देना पड़ जाता है। फाइनली वॉलेट रीलोड, अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके अपना वॉलेट रीलोड करते हैं तो आपको 2-3% का चार्ज देना पड़ता है। कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो क्लेम करती है कि आप उनका वॉलेट यूज करें और बैंक ट्रांजैक्शन पे वो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाएगी, तो आप इन कंपनियों पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। आप कोई भी जेन्युइन वॉलेट यूज करते हैं किसी भी बैंक का और किसी भी कंपनी का, तो आपको 2-3% का चार्ज जरूर देना पड़ता है और इसके ऊपर आपको देना पड़ता है GST, यानी कि काफी सारे चार्जेस आपको देना पड़ जाता है। तो ये तो हो गया कि कहाँ कहाँ आपको बहुत सोच समझ के अपना क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए और कहाँ पे कितना चार्ज आपको भरना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा आपको हमने यहाँ पे बताया है। तो अब आज का वीडियो इतना तक ही है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्रेडिट से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में हो तो हमें कमेंट में पूछना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कहा क्रेडिट कार्ड सही रहते। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।